Assalamu alaikum and good evening to all dear students. How are you all? I am fine. आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे. इकरा, आपकी गुजारिश पर और आप सभी की गुजारिश पर आपने इतना रिक्वेस्ट की. आपने कहा कि मैम आप टीच कर दीजिए, पढ़ा दीजिए, तो आज वक्त निकाल कर आपको कोशिश कर रहे हैं. काफ़ी दिन पर उर्दू की तशरी करने जा रहे हैं. तो ये गज़ल है मीर तकी मीर की. हाँ, मैं अपना नाम बता दूँ. नाम बताना वही आपकी आपकी नाचिस खुशनुमा अंसारी मैम. ये मीर तकी मीर का गज़ल है. आप प्लीज़ आप लोग कंटेंट सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे पास मेरी अपनी बुक है. पहले NCERT नहीं चलती थी, तो ये NCERT का इकरा आपने वो सेंड किया था. मीर तकी मीर का सिर्फ एक गज़ल सेंड किया था. आप प्लीज़ कंटेंट और क्या पढ़ना है आप लोग को वो तो सीरियल वाइज इंशाल्लाह टीच करने की कोशिश करूँगी आपको. और आप ये बता दीजिएगा आपको मेरी क्लास पसंद आ रही नहीं आ रही है. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. मीर तकी मीर रंजो गम के दर्द आलम के ये मशहूर मकबूल शायर हैं. और ये इसीलिए मशहूर हुई है क्योंकि ये दर्द गम इनका जब बचपन से दामन गिर हुई तो ये बचपन से जब ये गम दामन गिर हुई तो ये आखिरी तक इनका लगा रहा. और ये शायरी करते रहे. और इन ये उस्ताजों के उस्ताज नासिख जैसे, आतिश नासिख गालिब जैसे उस्ताजों के उस्ताज भी इनको अपने उस्ताज तस्लीम करते हैं. इन बातों के साथ आगाज़ करते हैं इस गज़ल का. मुहतका करे है जिस तिस का, हैरती है ये आईना किसका. मुहतका करे है जिस तिस का, हैरती है आईना ये किस. हैरती है ये आईना किसका. मेमोरी फुल हो रही है. मीर तकी मीर फरमाते हैं कि हम जब आईने के सामने या आईने के सामने कोई भी आ जाता है तो वो उसी के चेहरे को बड़ी हैरत और ताज्जुब के साथ देखने लगता है. आईना, ये जो आईना है, आईने को किसी चीज़ की तलाश जस्तजू है जो ये हर एक चेहरे को देखता रहता है, तकता रहता है. इसने किसी भी सूरत को देख लिया, किसी ऐसे सूरत को देख लिया है जो ये परेशान सरगिरदा और हैरत ज़दा होकर हर एक चेहरे को देखता रहता है. यहाँ जो लफ्ज़ इन्होंने हैरती है, हैरती इस शायर में इस्तेमाल किया है. ये हैरती इस शायर के हुस्न को दोबाला कर देता है. उनका कहने का मकसद है कि ये मुतका करे है जिस तिस का, हैरती है आईना किसका. ये जो आईना है ये शीशा है, मिरर है, जिसके सामने हम खड़े होकर अपने आप को घंटों देखते हैं. हम और आप सभी देखते हैं. तो ये इसको बिल्कुल उल्टा अपोजिट उन्होंने कहा है कि ये आईना हमें देखता है और उसको किसी ऐसे चेहरे की तलाश है जिस चेहरे को इसने देख लिया है और ये बार बार कोशिश कर रहा है कि हम उसी चेहरे को देखें. इसके दो मीनिंग हैं, क्योंकि ये एक तो लफ्जी माने हैं. एक मिनट, मेमोरी फुल हो रही है. सो नेक्स्ट वीडियो में ओके. अल्लाह हाफिज़. वेट 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 फॉर मी.